हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हायर एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इग्नू के बारे में, साक्षात के बारे में और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स, क्या हैं ये तीन चीज़ें, किस तरह से वर्कआउट करती हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग रहती है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो ये भी कुछ एक मोड्स ऐसे हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं डिस्टेंस वे में, डिस्टेंस मोड में, या ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो सकती है एजुकेशन के सेक्टर में। इन्हीं के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें और फॉलो करें। आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि हैंड रिटन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के अवेलेबल है बिल्कुल जेन्युइन प्राइसेस पे, कम प्राइसेस पे। आपको अगर चाहिए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू की फुल फॉर्म जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। MHRD की ये एक पहल थी, एक इनिशिएटिव था कि एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाली यूनिवर्सिटी ओपन की जाए। और इसके पहले आपने, मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले डिस्कस किया था कि कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस की थी कि इंडिया एक बहुत ही हाईली पॉपुलाइज्ड कंट्री है और इंडिया के हर एक सिटीजन को जो है एजुकेशन मिले, तो उसके लिए कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव्स लिए जाएं जैसे ऑनलाइन एजुकेशन या कॉरेस्पोंडेंस मोड में एजुकेशन, ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है एजुकेशन के ऊपर एक्सेस कर सके और अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। इग्नू की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? एक तो सबसे पहली बात कि डिस्टेंस मोड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एनहांसिंग एक्सेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड में यानी कि ऑफलाइन लर्निंग, यानी कि नोट्स के थ्रू सब्जेक्ट मटेरियल जो है वो बाय पोस्ट भेजना, ऐसे लोग जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम, उनका सर्वाइवल टफ है और वो दिन में मजदूरी करते हैं या कुछ और काम करते हैं और अपना और अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं लगता है, और या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उनके पास कमी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, इसके लिए जो था इग्नू जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी बात, हमने ये भी जाना कि MHRD ने पूरी लिबर्टी दे दी इग्नू को कि इंडिया जो डेक बनाई गई थी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, उसने बोला था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, उसने बोला कि इग्नू जो है पूरे इंडिया में गवर्न करेगी कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज को, डिस्टेंस मोड में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके लिए जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी फ्रेमवर्क रहेगा वो इग्नू उसके ऊपर वर्कआउट करेगी। तो इग्नू का दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स इन ओपन लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, स्टैंडर्ड डिक्लेयर करती है, पॉलिसीज बनाती है, और डिफरेंट जो और ऑनलाइन या कॉरेस्पोंडेंस एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रमोशन जो है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जो है एस्टेब्लिश करती है। इग्नू के जो टोटल बजट रहता है, आपको बताया कि इग्नू की जो पूरी फंडिंग आती है वो MHRD से डायरेक्ट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ये अपने आप में ही एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसका जितना टोटल बजट है उसका 10% जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ही जाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर में, वहाँ पे 10% जो है इसका पार्ट जो है बजट का वहाँ लगता है। इग्नू जो अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ बाय पोस्ट सेंडिंग प्रिंट मीडियाज, प्रिंट मटेरियल, नोट्स भेजता है, बुक्स भेजता है, ऑडियो वीडियो टेप्स भेजता है, और डिफरेंट एजुकेशनल टीवी चैनल्स हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, और एक्सपर्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं एज पर द नीड। इसके अलावा टीवी चैनल्स का सहारा लिया जाता है, FM रेडियो का सहारा लिया जाता है, और क्या कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के हेल्प से जो है वो लोगों को जो डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन ले रहे हैं उनको ये मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। ज्ञानवाणी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका कि ज्ञानवाणी FM रेडियो से जो है वो इग्नू अपने प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करता है, अपने एजुकेशन के ब्रॉडकास्ट करता है। ज्ञान दर्शन TV चैनल है, और इसी तरह से बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का यूज़ करके यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को।
इग्नू का जो कोलैबोरेशंस है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हैं, जो मतलब ताकि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स बिल्ड किए जाएं, नए उनमें स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, नई पॉलिसीज़ बनाई जाए, या मतलब हम कह सकते हैं कि नई नई जो एडवांसमेंट है डिस्टेंस एजुकेशन में वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करवाई जाए। इस तरह से डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग जो है इंस्टीट्यूट्स एस्टिब्लिश, हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका इसने एस्टिब्लिश किए हैं, और यूनेस्को के साथ इसका कोलैबोरेशन है, और एजुकेशन के सेक्टर में जो है चेंजेस करता रहता है टाइम टू टाइम। इग्नू एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है सार्स के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करवाने में, और इसका टाई अप जो है ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क के साथ भी है डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। उनके बहुत कुछ मतलब लर्निंग्स लेता है एडवांसमेंट के लिए एजुकेशन के सेक्टर में, और उनके साथ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम डेवलपमेंट है एजुकेशन के सेक्टर में, या बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की वहाँ ज़रूरत है लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन मोड ही फिजिबल है, या जो लोग ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाते, तो ऐसी कंट्रीज़ में जो है इग्नू जो है पार्ट प्ले करता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा ये साक्षत जिसकी हम बात करेंगे, दूसरा प्रोग्राम था साक्षत। साक्षत एक ऐसा प्रोग्राम है जो 30 अक्टूबर 2006 को जो है एस्टिब्लिश किया गया, एग्जिस्टेंस में लाया था। इसका मोटो क्या था कि स्टूडेंट टीचर और जो इम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज को एनहांस करना फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। तो साक्षस तो एक प्रोग्राम बनाया गया कि यहाँ पे सारी जो जितना हमारा नॉलेज ट्रेजर है पूरी कंट्री का उसको कोलैबोरेट किया गया, और ताकि जो है इसको ओपनली एक्सेस कर सकता है कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, और यहाँ से अपने जो मनपसंद है या रिक्वायर्ड है उसको, या जो उसको अच्छा लगता है जिस भी फील्ड की नॉलेज लेना चाहता है वो ले सकता है। अच्छा, इसका जो कंटेंट है साक्षात का उसको क्रिएट करता है और मतलब उसको लुक आफ्टर करता है कंटेंट एडवाइजरी कमेटी है इसकी अलग से, वो इसको लुक आफ्टर करती है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक नेटवर्क कनेक्टिविटी की गई, मतलब जिसको हम बोलेंगे नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इसको नाम दिया गया नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और इसमें क्या किया गया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो भी पूरे इंडिया में गवर्न कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ वर्कआउट कर रही हैं, उनका लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन, सबका जो डाटा है वो कोलेबरेट किया गया, क्लब किया गया और उसको ऑनलाइन किया गया, ई कंटेंट उसका बनाया गया। और मतलब जब आप साक्षात मतलब कंप्यूटर पे टाइप करेंगे गूगल में और इसकी होम साइट खोलेंगे तो आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब वो टैब्स मिल जाएंगे, चाहे आप स्कूल लेवल के मटेरियल की बात करो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के मटेरियल की बात करो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के मटेरियल की बात करो, हर एक फील्ड, हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, ई कंटेंट मिल जाएगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1998 में बनाई गई थी। इसका क्या काम था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, कॉमनवेल्थ नेशंस थे, उनका एक क्लब बनाया गया और उनसे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल है, उसको डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोवाइड करवाया जाए, नॉलेज, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज़ को बिटवीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था कि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो है वो एक एजुकेशन सेक्टर का जो है वो डेवलपमेंट के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, नॉलेज प्रोवाइड करवाना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस मोड। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग बनाया गया। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्नवे ब्रिटिश कोलंबिया में है और इसको होस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूं जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ पार्टनरशिप है, वो एक तो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और तीसरा जो है वो नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इनका टाई अप है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ। तो आज का यहीं पे समाप्त होता है लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें मुझे फीडबैक के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपकी कोई क्वारी होती है मुझे आप मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।